नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम टारगेट अकेडमी पर। तो दोस्तों, यूपी लेखपाल 2022 के बारे में हम जानेंगे, जिसमें आज हम भूमि पैमाई संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली खसरा खतौनी के बारे में जानेंगे। ये कुछ लेखपाल के कुछ महत्वपूर्ण कागज होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, ये 2020 नहीं है, ये 2022 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट पेपर्स ऑफ लेखपाल, नंबर वन खसरा, नंबर टू नक्शा, नंबर तीन खतौनी, नंबर चार किसान वही, नंबर पाँच किसान सीमा चिन्हों की सूची, नंबर छः गांव रजिस्टर, नंबर सात खेवट, नंबर आठ भूमि पैमाई संबंधी महत्वपूर्ण शब्दावली। सबसे पहले जानेंगे नक्शा। नक्शा क्या होता है? प्रत्येक गांव का नक्शा होता है। यह नक्शा प्रत्येक गांव का एक नक्शा होता है, जिसको हम सजरा के नाम से भी जानते हैं। इस नक्शे पर गांव की चौहदी मतलब सीमा दर्ज होती है। इसे गांव की चौहदी के साथ साथ सकते खेत की चौहदी का पता चलता है। नक्शे का अनुसरण करने के लिए लेखपाल अपने लिखित के प्रति गांव का हर वर्ष खेत में जाकर 3 बार निरीक्षण करता है। लेखपाल का दौरा को राजस्व की भाषा में पड़ताल कहते हैं। प्रथम पड़ताल को खरीब पड़ताल कहते हैं, जो 10 अगस्त से प्रारंभ होती है, और दूसरी पड़ताल को रवि पड़ताल कहते हैं, जो 1 जनवरी से प्रारंभ होती है। तीसरी पड़ताल को जायद पड़ताल कहते हैं और वह 1 मई से प्रारंभ होती है। अब पढ़ते हैं खसरा। यह लेखपाल का बहुत ही महत्वपूर्ण कागजात होता है। इसको कहीं कहीं गिरदारी कहते हैं, जैसे पंजाब और हरियाणा में इसको गिरदारी के नाम से जाना जाता है। खसरा स्वयं अधिकार अभिलेख नहीं है, किंतु अधिकार अभिलेख की आधारशिला है। खसरा में कुल 22 खाने होते हैं। कृषि आंकड़े और खतौनी के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती है, देश सब सेवकपाल द्वारा खसरे में लिखित किए जाते हैं। इसका प्रयोग सजरा नामक दस्तावेज के साथ किया जाता है, जिससे पूरे गांव का नक्शा होता है, जो इस गांव की सभी भूपतियों की परिभाषा देता है। इन पतियों का ब्यौरा भी खसरों में होता है। खसरा में हर चीज और उसका क्षेत्रफल और उसका मालिक का और उसके काम करने वाले, उस पर उगाने वाली फसलों तथा उसकी मिट्टी के प्रकार तथा उस पर लगे वृक्ष का विवरण होता है। खसरा संबंधी कृषि संबंधी कानून भी एक दस्तावेज होता है। खतौनी। खतौनी शब्द उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम में वर्णित नहीं है, लेकिन अधिनियम में वार्षिक प्रशिक्षण नामक जो कागजात धारा 33 में वर्णित है, वही खतौनी के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं इसको जमाबंदी भी कहते हैं, जैसे पंजाब और हरियाणा में इसे जमाबंदी के नाम से जाना जाता है और उत्तर प्रदेश में इसे खतौनी के नाम से जाना जाता है। अगर गांव की खतौनी का प्रयोग करके किसी एक व्यक्ति या परिवार की जमीनों की सूची बनाई जाए, तो उसे खतौनी कहेंगे। हर 6 साल में किसी नवीनीकृत किया जाता है। इसमें 13 खाने होते हैं। इसमें जोतरों का वर्णन होता है। जोतरों मतलब जोतने का, यह किस हैसियत से भूमि का धारण कर रहे हैं, वह उसमें पूर्णा उसका उल्लेख होता है। किसान वही, यह लेखपाल द्वारा तैयार की गई वह दस्तावेज की पुस्तक होती है, जो कि किसान के पास होती है। किसान वही पर किसान की खेती, उसका प्रकार, मात्रा, वाहक संबंधी विवरण होता है, जिससे कि केवल उस अपनी भूमि की जानकारी रखता है। यह मात्र 10 रुपये शुल्क दिए जाने पर किसान को उपलब्ध करा दी जाती है। सीमा चिन्हों की सूची। इस अभिलेख में सीमा और बंदोबस्त चिन्हों का वर्णन होता है। यह कागजात इसी विवादग्रस्त भूमिया सीमा विवाद को निपटाने में पर्याप्त होता है। यह कागजात खसरा में ही नत्थी के साथ रहता है। गांव रजिस्टर। यह रजिस्टर
धारा 31 के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में तैयार कराया जाता है, जिसमें 3 खातों का उल्लेख होता है। नंबर 1 नई प्रक्रिया से प्रभावित क्षेत्र, नंबर 2 एहत वाली खेती वाले क्षेत्र, नंबर 3 जिसकी मालगुजारी पूर्णतः समाप्त कर दी गई हो वाले क्षेत्र। अब पढ़ते हैं खेवट। यह जमींदारी का एक रजिस्टर होता है। सन 1950 में उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भारतीय भूमि सुधार अधिनियम के लागू होने से पहले 2 अधिकार होते थे, खेवट और खतौनी। खतौनी अभी रखी जाती है क्योंकि यह एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें यह वर्णन होता है कि कौन जोतदार किस हैसियत से भूमि को धारण कर रहा है। लेकिन खेवट जमींदार और जमींदारी से संबंधित रजिस्टर था, इसलिए जमींदारी उन्मूलन के बाद इसे बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। इसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण आपको लेख बताए हैं, कागजात के बारे में बताए हैं जो कि लेखपाल के होते हैं। लेखपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। नंबर 1, पटवारी राजस्व विभाग का ही कर्मचारी होता है। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2, पटवारी प्रणाली का प्रारंभ सर्वप्रथम शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुआ था। नंबर 3, मुगल सम्राट अकबर ने इसे बढ़ावा दिया तथा ब्रिटिश काल में इतने मामूली परिवर्तन हुए कि किंतु प्रणाली जारी रही। वर्ष 1918 से सभी गांव में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में लेखपाल नियुक्त किए गए। पॉइंट नंबर 4, उत्तर प्रदेश में पटवारी के पद को चौधरी चरण सिंह के जमाने में ही समाप्त कर दिया गया था और अब इसे लेखपाल कहा जाने लगा है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। इसमें हमने कुछ आपको बताया लेखपाल के दस्तावेजों के बारे में, लेखपाल के क्या क्या दस्तावेज होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि हमें उम्मीद है अगर आप हमारा मनोबल बढ़ाएंगे तो हम आपको ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।